गांडे विधानसभा उपचुनाव होने में अब कुछ दिन बच गया है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी जंग के मैदान में उतरने जा रही हैं। एक तरफ कल्पना सोरेन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुरजोर मेहनत कर रही हैं, तो दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट राजीव कुमार ने कल्पना सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड के मांडर विधानसभा क्षेत्र की सोहराय लाइव स्टॉक में कल्पना सोरेन ओनर रही हैं। सोहराय लाइव स्टॉक में उनकी बहन पार्टनर रही हैं। राजीव कुमार ने इस मामले की ईडी से जांच की मांग की है। सेपरेट ईडी को जांचना है कल्पना सोरेन वाले मामले की, क्योंकि वो ओनर रही है सोहराय लाइव स्टॉक में, वो वन ऑफ द डायरेक्टर थी, उनकी सिस्टर जो है वो भी डायरेक्टर थी। मांडर में ये जमीन अलॉट हुआ था, उस समय इंडस्ट्री मिनिस्टर उनके हस्बैंड थे हेमंत सोरेन, और सेक्रेटरी पूजा सिंघल थी इंडस्ट्री सेक्रेटरी। तो ये मिली जुली सरकार से हुआ था उनके नाम से। ये अलग बात है कि उसको, जहाँ तक हम सुनते हैं कि उसको कैंसिल करवा दिया गया, लेकिन क्राइम तो कमिट हो ही गया था। उसकी ईडी जांच करे, ईडी ऑलरेडी जांच कर रही है लैंड स्कैम की। यही हम लोगों का डिमांड है कि उसकी भी जांच करे कल्पना सोरेन मैडम। कल्पना सोरेन की गांडी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों कल्पना सोरेन दो दिन के दौरे पर गांडी पहुंची थी, लेकिन इस उपचुनाव से पहले ही वकील राजीव कुमार ने उनकी ईडी की जांच की मांग कर सबको चौंका दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।